सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यार मुझे पूरा गवर्नमेंट का ऑर्डर निकल के आया टिकटॉक और इसी के साथ में 58 अलग अलग एप्स को बैन करने का। इसको सुनते ही भैया हम तो हो गए हैप्पी इंटू 100। लेकिन क्या आप दोस्तों जानते हैं कि वाकई में इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है या टिकटॉक इन जनरल यूजर्स के लिए कितना ज्यादा खतरनाक था? आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को ना आप जल्दी से अभी का अभी लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए सभी तरफ जहां भी आप कर सकते हैं, बिकॉज मेरे ख्याल से दोस्तों एक आम यूजर का इस इंफॉर्मेशन को जानना बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग में ना अक्सर ये ख्याल आता है कि यार एक ऐप ही तो है, मतलब प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और एक सिर्फ एप्लीकेशन ही तो है, मतलब ऐसे में क्या ही बड़ी बात हो गई। लेकिन दोस्तों अगर आप बात करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही ऑफिशियल स्टेटमेंट की तरफ से, तो यहाँ पे ये जो बैन किया गया है 59 ऐप्स को, ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये दोस्तों खतरा थे हमारे देश के यूजर्स की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए, और इसीलिए ये कदम उठाया गया। अब ऐसे में दोस्तों ऐप्स तो खैर बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आपसे बात करता हूं कुछ पॉपुलर ऐप्स की, तो यहां पे यूसी ब्राउजर और टिकटॉक का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है। अब ऐसे में यूसी ब्राउजर जो ऐप है वो तो बीच में कुछ टाइम के लिए गूगल प्ले स्टोर से भी हटा ली गई थी, और अलग अलग टाइम पे तरह तरह के सिक्योरिटी कंसर्न सामने आते रहे हैं। यहां पर अगर आपसे दोस्तों बात करता हूं मैं टिकटॉक के बारे में, तो ये भी कोई दूध की धुली ऐप नहीं है। हमको लगता है ना इन द फर्स्ट प्लेस की ये एक सिंपल सोशल मीडिया ऐप ही तो है, मतलब यहां पे हम वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लेकिन ये दोस्तों सिर्फ दिखाने के लिए। अंदर से अगर ये एक बहुत बड़ा स्पाइंग टूल हो, तो अगर ये एक ऐसा टूल हो जहां पे बहुत सारे यूजर्स के ऊपर नजर रखी जा रही है, उनके डेटा जो है वो पूरा दोस्तों कलेक्ट किया जा रहा है, और ऐसे में पूरा एक मतलब बनाया जा रहा है उनके लिए डिटेल्स वाला सीन कि भैया कौन क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि यहां पे इंटरनेट पे दोस्तों कुछ कुछ आर्टिकल्स भी अवेलेबल हैं जो बताते हैं कि टिकटॉक आखिर पास्ट में या करंटली या फ्यूचर में क्या क्या चीज करने की कैपेबिलिटीज रखता था। अगर कोई यूजर अपने फोन में टिकटॉक को इंस्टॉल करता है, अपना अकाउंट बनाता है, टिकटॉक को यूज करना स्टार्ट कर देता है, तो आखिर कैसे टिकटॉक डेटा को कलेक्ट करने के बाद में, मतलब ये ना बहुत एक स्केरी पिक्चर है। मतलब बहुत बार मैंने भी देखा है दोस्तों हमारे जो आप सब्सक्राइबर्स हैं वो सोचते हैं कि यार मैं कौन सा कोई बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं कौन सा कोई बड़ा फेमस आदमी हूं, मेरे ही फोन में मतलब ना तो मेरे अकाउंट के अंदर करोड़ों रुपए पड़े हैं, तो मेरे फोन से अगर कुछ थोड़ा बहुत लीक भी हो गया तो क्या बड़ी बात है। दोस्तों यहां पर अगर आप देखते हैं मास स्केल पे, सिर्फ आप अकेले नहीं, आप जैसे और लाखों करोड़ों यूजर्स का डेटा अगर किसी एक देश के पास या किसी अगर एक कंपनी के पास जाता है, तो आप खुद दोस्तों सोचिए कि कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है एक मास स्केल पे। तो यहां पर मालूम दोस्तों ये चला है कि एक रिवर्स इंजीनियरिंग की गई टिकटॉक ऐप के ऊपर ही, आखिर क्या क्या चीजें कलेक्ट करती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन टिकटॉक के पास में जाती है। तो मालूम दोस्तों चला है कि सबसे पहले तो आपके डिवाइस के हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन, जो आपके फोन की इंफॉर्मेशन है कि आपका जो फोन है उसका सीपीयू कौन सा है, उसमें कितनी कोर्स है, या आपके डिवाइस का हार्डवेयर आईडी क्या है, स्क्रीन साइज क्या है, स्क्रीन का जो है वो आपका रेजोल्यूशन वगैरह क्या है, मेमोरी कितनी है उसके अंदर, डिस्क स्पेस वगैरह कितनी है, ये दोस्तों हो गई फोन के हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपसे बात करता हूं इसके अलावा और डिटेल्स की, आपने और बाकी कौन कौन सी ऐप्स को अपने फोन में इंस्टॉल किया हुआ है या फिर पहले कभी किया हुआ था, मतलब डेटा दोस्तों ये वो भी पुल करती है। इसके अलावा अगर आपसे बात करता हूं तो नेटवर्क रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, मतलब आईपी एड्रेस, लोकल आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, फिर दोस्तों आप जो यूज कर रहे हैं वाईफाई का एक्सेस पॉइंट नेम वगैरह, वो सभी चीजें इसके पास चली जाती हैं। यहां पर दोस्तों इसके अलावा बात करता हूं तो क्या आप जो है वो रूटेड हैं या फिर आपने अपने फोन को जेलब्रेक किया है अगर आप आईओएस डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन भी इनके पास में है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जीपीएस की जो है वो करीब हर 30 सेकंड में पिंगिंग हुआ करती थी, कि मतलब आपका जो जीपीएस सिग्नल है वो भैया क्या कोऑर्डिनेट्स दिखा रहा है, तो मतलब आपकी लोकेशन का बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट ट्रैकिंग। इसके अलावा यहां पर दोस्तों एक लोकल प्रॉक्सी सर्वर सेटअप किया करते थे आपके डिवाइस के ऊपर ट्रांसकोडिंग मीडिया जो है वो मतलब कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए, लेकिन यहां पर मीडिया ट्रांसकोड के अलावा भी दोस्तों इसको जो है वो मतलब क्योंकि इसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं था, तो अलग अलग तरीके से इसको अब्यूज किया जा सकता है। मतलब एक सिंपल सी बात यार, टिकटॉक ना एक नशे की तरह क्यों फैला अगर आप इसको एनालाइज करते हैं, तो यहां पर दोस्तों ये ना एक एहसास दिलाता है वायरलिटी का, कि मतलब आप जो है वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये आपको एहसास दिलाता है। मतलब आज अगर आप एक फ्रेश यूजर भी टिकटॉक पे अपना अकाउंट कोई बना ले, तो बहुत जल्दी वो बहुत ज्यादा नंबर शो करता है, उसमें से हो सकता है वो सही है या नहीं है या जो भी है, क्योंकि आपको अंदर से एहसास मिलता है कि आप ना बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हो। मतलब आपने कैसा भी वीडियो पोस्ट किया उसमें दिखाएगा कि मतलब इतने लोगों ने लाइक कर दिया उस वीडियो को, इतने लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे में आपको लगता है कि हाँ यार ये तो बड़ी सही चीज है, मैं चलो दोबारा करता हूँ। अब देखो पैसे वैसे तो मिलते नहीं है एक नॉर्मल यूजर
यूजर को जो नॉर्मल क्रिएटर है टिकटॉक के ऊपर, लेकिन वो जो वैलिडिटी का एहसास दोस्तों होता है ना वो उसको उसमें बांधे रखता है। इसके अलावा यहाँ पे मतलब बातें ऐसी कि दोस्तों बच्चों के अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब पता नहीं रैंडम कैसे कैसे अलग अलग सोच वाले भैया अंकल जी जो है वो छोटी बच्चियों के साथ में ड्यूएट कर लेते हैं, डायरेक्ट डीएम्स का इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, वीडियोज पब्लिक हो जाती है, और आपने उतना देखा है कि कैसा कैसा वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बॉर्डर लाइन पे रहते हुए अजीब अजीब से गाने, अजीब अजीब से डांस मूव्स, और वो सब उस ऐप पे चल रहा है खुलेआम बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आपसे बात करता हूँ ना तो ये एक चीज निकल गया है समझो भैया बहुत डरा देती है कि टिकटॉक के पास में अगर एबिलिटी है रिमोट कोड को एग्जीक्यूट करने की, जो कि काफी लोग बोलते हैं कि है, और मतलब अगर दोस्तों ऐसा है तो पता है टिकटॉक जो है वो आपके फोन में क्या क्या करने के केपेबल था। मतलब यहाँ पर दोस्तों आपके फोन को एक बॉटनेट का हिस्सा बना के एक प्रॉपर साइबर अटैक अगर कभी होता है ना, तो जो बॉटनेट बनता है जहाँ पे बहुत सारे बॉट्स उसका हिस्सा होते हैं, तो आपका फोन भी आपको बिना पता चले ऐसे किसी अटैक का हिस्सा हो सकता है। और सिर्फ एक फोन नहीं, कितने मिलियंस लोगों ने टिकटॉक को इंस्टॉल किया है वो सभी ऐसे किसी अटैक का हिस्सा बन सकते थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जितना भी आपने फोन में आप अपना टाइप कर रहे हैं, जो भी आपके कीस्ट्रोक्स हैं उनको भी मॉनिटर करना कि आपने कहाँ पे क्या टाइप किया है पूरे फोन में। साथ में दोस्तों इसके अलावा आपके यूजर नेम्स और पासवर्ड्स जो भी अलग अलग उनको गैदर करना। इसके अलावा यहाँ पे आप जब फोन लगा रहे हैं तो भैया कहाँ फोन लगा रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं उसको सुनना। साथ दोस्तों यहाँ पे मैसेजेस को भेजना या पढ़ना आपके फोन से, कि आपके फोन से क्या मैसेज जा रहा है आपको पता ही नहीं है, या फिर आपके फोन में कौन सा मैसेज आया है वो है पता चल जाएगा इनको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपके फोन में क्या फाइल्स हैं, उसके अलावा जो बाकी आपकी एप्लीकेशंस हैं वहां से डेटा को जो है वो भैया एक्सेस करना, आपने फोन में जो डेटा स्टोर किया है उसको डाउनलोड कर लेना रिमोटली। इसके अलावा यहाँ पे नेटवर्क और ट्रैफिक, मतलब जो दोस्तों बाकी इन्फॉर्मेशन है कि आपके फोन से आप क्या क्या नेटवर्क में भेज रहे हैं और ले रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन को निकालना, और यहाँ पे मतलब बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन है फॉर एग्जांपल आपके फोन में सेव वगैरह, तो मतलब बहुत सारी चीजें दोस्तों निकल के आ जाती हैं जो टिकटॉक कर सकता है अगर यहाँ पे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन क्या ऑप्शन है, जो कि बहुत लोग बोलते हैं कि है। एक और मजे की बात कि iOS 14 में दोस्तों अभी मतलब कौन कौन सी एप्स जो है वो आपके क्लिपबोर्ड का डेटा, क्लिपबोर्ड वो चीज जहां पे आपने कुछ भी अगर कॉपी पेस्ट करके रखा है वो एक्सेस कर रही हैं, उसमें टिकटॉक का जो है वो नाम सीधा सामने आ गया था, और टिकटॉक ने बाद में बोला कि हम इसको अपडेट कर रहे हैं और अब हम क्लिपबोर्ड का डेटा एक्सेस नहीं करेंगे, और ये काम एंड्रॉयड के अंदर भी हो रहा है। मतलब इतने सारे दोस्तों मतलब पॉइंट्स निकल के आते हैं, और यहाँ पे मजे की बात कि ये बहुत लंबे समय तक सिर्फ HTTP ऑथेंटिकेशन के ऊपर काम कर रही थी, यहाँ पे HTTPS भी नहीं था इनके पास में इनकी वेबसाइट पे। तो मतलब एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम कई बार ना चीजों को बहुत ही हल्के में लेते हैं कि यार एक ऐप ही तो है, मतलब क्या फर्क पड़ गया, ऐसा क्या ही हो जाएगा अगर मैं यूज करता हूँ, बिकॉज मैं तो कोई फेमस नहीं हूं, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूं। लेकिन अगर दोस्तों बात करें मास स्केल पे तो मेरी सलाह सिर्फ आपके लिए यह है कि अगर आपके फोन में आपने अभी भी टिकटॉक को रखा है तो प्लीज अपने फोन से उसको निकाल के बाहर फेंकिए, डिलीट कर दीजिए। बैन तो खैर वो हो ही चुका है, अगर आपके फोन में वो गलती से जगह बनाए कहीं पे बैठा है तो उसको प्लीज निकाल के बाहर फेंकिए। और इसके अलावा जो और दोस्तों सारी ऐप्स है, मतलब हमारी सेफ्टी से ज्यादा हमारे देश की सेफ्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसे में सभी लोगों का एक साथ में आना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ दो लोग इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर दें और बाकी सब लोग अपने फोन में दबाए रखें, बेशक सरकार बैन कर दे, अगर बैन कर दिया है तो डिलीट कर दो यार। मतलब कई बार हम अपने स्वार्थ में कुछ लाइक्स के लिए ऐसे मतलब जो है वो स्वार्थी बन जाते हैं कि भैया नहीं हमको तो लाइक्स मिल रहे हैं, हम तो पॉपुलर हैं, हम तो भैया फेमस हो रहे हैं टिकटॉक पे, हमको डिलीट करें। लेकिन यहाँ पे अगर आप दोस्तों एक बड़े स्केल पे सोचते हैं अपनी आंखों को खुला रखते हुए कि आखिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और यहाँ पे सिर्फ ये एक ऐप की बात कर रहा हूँ, ऐसे में अगर हम बात कर लेते हैं कैम स्कैनर की, ऐसे में अगर हम बात कर लेते हैं यूसी ब्राउजर की, और वो बीगो वीडियो और हेलो और हैगो और लाइक और पता नहीं क्या क्या, तो आप सोचो कि 59 अलग अलग ऐप्स हैं, कहां कहां से क्या क्या डेटा निकल रहा है, कहां जा रहा है। बहुत एक बड़ा स्पाइंग नेटवर्क हो सकता है सिर्फ एक सोशल मीडिया के हल्के से छलावे के साथ में, एक मैलवेयर की तरह हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं, कोई एक चीज नहीं है। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे इंटरनेट पे क्लिप्स और आर्टिकल्स पड़े हैं, तो प्लीज अपनी सेफ्टी का ख्याल रखिए, और जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसला आया है उसको हल्के में मत सोचिए कि बस ऐप ही तो बैन किया है, अपने फोन से निकालना आपका बहुत जरूरी है, उसको यूज करना छोड़िए, और कोशिश कीजिए कि आपके फोन में आप जितनी भी ऐप्स रखते हैं, जो भी आप काम करते हैं अपने फोन में, उसका पूरा आपको आइडिया हो कि आखिर क्या हो रहा है आपके साथ। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोड सला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।